हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बीपीएससी प्रीलिम्स 43 के प्रीवियस को देखते हैं, और वो भी हिस्ट्री है आपका, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज फिलहाल हिस्ट्री का ही रहता है, तभी कुछ और सब्जेक्ट का रहता है, उसके बाद ये करंट अफेयर है ना, हिस्ट्री और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा। तो आइए हिस्ट्री देखते हैं। स्वपन बाश्वदत्ता के लेखक हैं कालिदास, फास, भभूति राजशेखर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फास। महाकवि फास द्वारा रचित यह नाटक वत्सराज उदयन एवं बाश्वदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। फास को इन सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ और सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ, है ना। तो कलिंग के चेदी वंशीय राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन हाथी गुफा भी लेख में है। यह खारवेल का इतिहास जानने के लिए एकमात्र स्रोत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर इसमें 43वें 35 क्वेश्चन था। खाजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेला, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या परमार। तो ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण 950 से 1050 में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय में हुई थी। यह बौद्ध दर्शन का महान केंद्र था जहाँ पर अनेक विदेशियों ने शिक्षा ग्रहण की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी का बिहार बंगाल आक्रमण आधारित था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन का तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी द्वारा 1193 में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, देवपाल, धर्मपाल, नैनपाल, नरेंद्रपाल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल 775 से 800 ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा और सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। देवपाल पालवंशीय शासक जिसने साम्राज्य बिहार में तथा राजधानी पाटलिपुत्रा एवं मुंगेर थी, का जावा सुमात्रा के शासकों के साथ संपर्क था, ठीक है। तो पाल वंशीय शासक की राजधानी ये आपका पाटलिपुत्रा और मुंगेर भी था। बारहवीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक। बारहवीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कैलहन, बिल्हन, जयनायक, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं ये ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रवरदाई। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। जयनक ने पृथ्वीराज विजय तथा कल्हन ने राज तरंगनी की रचना की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था, कुली कुतुबशाह, कुतुबद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो ये होगा कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, इसी कारण दोनों में गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। मन सब
मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन दीवान, प्रो साड़ी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा। तो आंसर होगा मुबाइन। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने फारसी भाषा में मसनबी मुस्लिम कानूनों का संग्रह लिखी जिसका नाम मुबाइन था। यह पद्य शैली में है, ये भी याद रखना है, ये पद्य शैली में है। आइए देखते हैं, यानी कविता के रूप में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, हॉली वार, जजिया। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली वार। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली वार, और इसके माध्यम से वह दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो आंसर होगा राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य पुस्तक पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1921 ईस्वी की मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के संग्राम से, स्वदेशी आंदोलन से, असहकार आंदोलन से। तो ये होगा आंसर खिलाफत आंदोलन से। 1921 के मोपला आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। 1921 के मोपला आंदोलन मूलतः 1916 से प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था जिसका संबंध 1920 में खिलाफत आंदोलन से हो गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका आंसर है मौलाना आज़ाद। ठीक है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 6 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफार खां, मौलाना आजाद। ये तो अब्दुल गफार खां ही होना चाहिए। समझा, बग्गे आंदोलन के भारत के उत्तरी पश्चिमी तौर पर खान अब्दुल गफार खां ने नेतृत्व किया। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का भी निर्माण किया था जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहे जाते थे। तो ये खुदाई खिदमतगार, साथ ही अब्दुल गफार, ये 3 पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी सर्वानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो अगस्त 1923 के बनारस हिंदू के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी सर्वानंद। ठीक है, बनारस हिंदू, ठीक है, स्वामी सर्वानंद आर्य समाजी नेता थे जिन्होंने हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में भाग लिया एवं अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसकी स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई थी। ठीक है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सर्वानंद ने किया था। चलिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो सरस्वती तो यारे समाज। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मानना था कि सबसे आदि मूल परमेश्वर एक है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो लौटो, ये भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिमचंद चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी की रचना की, यह इनकी पहली रचना थी। आनंद मठ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का फर्स्ट रचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी तथा इसके सहयोगी की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर, पटना, गया या शाहबाद? तो ये आंसर है पटना। ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। दमन से क्रोध होकर जनता ने कई थानों पर हिंसक कार्रवाई की जिसमें पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन, डाकघरों
प्रकरण किए गए। इन घटनाओं सबसे अधिक पटना जिला प्रभावित रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुमार सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह। तो ध्यान देना है कि पटना में यहाँ पे कुंवर सिंह को नहीं लेना है आंसर, क्योंकि ये जगदीशपुर से थे। और व्याख्या है कि 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली खान ने नेतृत्व का विद्रोह आरंभ हुआ था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा से आंदोलन के नेता थे, इसीलिए यहाँ पे ये स्टार के रूप में रह गया है ये क्वेश्चन उस वक्त। ठीक है, तो जगदीशपुर की बात किया जाए तो ये कुंवर सिंह आ जाएंगे, बट पटना की बात किया जाए तो पीर अली खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में। 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। पहली बैठक मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत वलनी विद्यालय में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ध्यान देना है कि यहाँ पे जगह के नाम आया ना मुंबई, हाँ ये भी ध्यान देना है, तो ये 1885 में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, W.C. बनर्जी। तो ध्यान देना है कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, नरम दल के नहीं। कांग्रेस के क्रम पंथी तिकड़ी लाल वालपाल से बाल गंगाधर तिलक एक थे, जिन्हें नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना और अनुनय की नीति पसंद नहीं थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद जो है ग्रामपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कब्जा किया। कर 1906 के बाद कांग्रेस के भीतर ग्राम दल का प्रभाव बढ़ा, इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विवेक चंद्र पाल ने किया। 1907 में का सूरत फुट इसका ही परिणाम था, ग्राम दल और नरम दल बटे थे 1907 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1943, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में INA की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? सैनिक सेवक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर थे, असैनिक सेवक थे। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो ये 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, यही तीन, उसमें से कोई था जिसको मिला था आजीवन कारावास। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? B.C. पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। तो लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो ये आंसर होगा उधम सिंह ने। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में की थी। ठीक है, तो लंदन में जनरल डायर की गोली किसने मारी थी? तो उद्यम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। स्वराज पार्टी का गठन के असफलता के बाद हुआ था? तो ऑप्शन असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के सफलता के बाद हुआ था। तो 1922 के असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के गठन भी पूछा जाता रहता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। INA की स्थापना हुई थी म्यांमार में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। तो INA की स्थापना तो अभी भी हमने पढ़ा, सिंगापुर में हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस प्रभावाधीन ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घटना की। अतः 1943 में आज़ादी फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, तो इसका महात्मा गांधी थे, ठीक है ना। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी।
अंग्रेजों द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को करनी पड़ी थी। तो ये ध्यान देना है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो ये तो 6 वर्ष की बाल गंगाधर को हुआ था जेल। सरकार ने सूरत फुट के दौरान फौरन बाद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाइयां शुरू कर दी। ग्रामपंथियों के अखबारों की जुबान बंद कर दी गई। इनके मुख्य नेता तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आतंकवादियों मतलब क्या आंदोलनकारियों, ठीक है ना, अंग्रेज इनको आतंकवादी ही मानता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 वर्ष हो गया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र से, पंजाब से। तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे, ठीक है। नरमपंथी नेता जो भी थे सभी टाउन से थे, ना कि गांव से थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि कांग्रेस नेता नरमपंथी थे जो शहरी वर्ग के थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र था, रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र था, तो ये जगदीशपुर मिलनी था। जगदीशपुर 1857 के विद्रोह में केंद्र था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक चला था। अच्छा एक क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। हाँ हौज विद्रोह, ठीक है ना, सॉरी हौज विद्रोह हुआ था 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 1721 के दौरान, 1820 से 1821 के दौरान, 1920 से 1921 के दौरान। तो आंसर है 1820 से 1821 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। बिहार का संथाल परगना, संथाल परगना तो फिलहाल अभी यदि देखा जाए तो वो पड़ता है झारखंड में, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये 43वां 40th का हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री पहले हम टारगेट रखें कि इसको आपको सारे को 66वीं तक पूरा कर दे, तब फिर चलेंगे सिविक्स और ज्योग्राफी। हम सोचते हैं ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, ऐसा इसलिए कि इसमें कुछ करंट टाइप का क्वेश्चन भी होता है तो उसको मैं छाट दूंगा, और जो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहता है उसको रहने दूंगा, और उसको मिलाकर आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट, और सबसे पहला बात है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें।